मध्य प्रदेश से हूँ। मैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मूल न्याय के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि न्याय कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता है। मैं उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव का एक लड़का CRPF में नौकरी के लिए आवेदन किया और उसका फिजिकल टेस्ट होने के लिए 2 अप्रैल 2018 के लिए आया। जब 2 अप्रैल 2018 को वो नीमच में फिजिकल ग्राउंड में फिजिकल टेस्ट पास कर लिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करवाना हुआ तो डॉक्यूमेंट्स पूर्ण सही था और डॉक्यूमेंट्स में पास भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उसकी पावती उसको पावती जो दी गई वो फैल की दी गई, जिसमें लड़के द्वारा जब CO साहब से वहां पूछा गया कि सर हम तो पास थे लेकिन हमें फैल क्यों कर दिया गया, तो बोले कि आपकी जाति प्रमाण पत्र जो है वो 3 साल पुरानी है इसलिए आपको फैल कर दिया गया है, आपकी जाति प्रमाण पत्र जो है वो सही नहीं है। तो बोला कि सर हमें इस दस्तावेज कंप्लीट कराने के लिए समय दे दीजिए 2-4 दिन का, मैं जमा करा के दे दूँ। कहीं नहीं, अब ये टाइम नहीं मिलेगा, और उसको मतलब डंडे मारकर बाहर कर दिया गया। तो हम यही कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो न्याय की व्यवस्था है सरकार की, ये कहीं ना कहीं नहीं सही देखने को मिलती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हर जगह न्याय हो, और क्योंकि अगर न्याय नहीं होता है तो उनका लक्ष्य और सपना टूट जाता है और लोग उसका विकास वहीं से रुक जाता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि मतलब न्याय सबके लिए बराबर है और काफी सारी चीजें भी सबके लिए इक्वल है, बट हमारे यहाँ पर मैंने बहुत बार मतलब स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे बट कभी भी स्कॉलरशिप मिली ही नहीं, क्योंकि मतलब हमारा कहते हैं कि कुछ खास जातियों को ही मिलती है स्कॉलरशिप, और बाकी देखना चाहिए सरकार को कि किसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और किसकी बुरी है, तो उन लोगों को देना चाहिए स्कॉलरशिप। ये नहीं कि मतलब वो कुछ भी उनकी जाति स्पेशल है तो उन लोगों को मिल जाए, जिसको ज़रूरत है उन्हीं को देनी चाहिए। कि जो एक न्याय है जो कि समानता के रूप में चाहे वो आर्थिक हो, धार्मिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, उसको सभी को हर एक प्रकार का न्याय मिले। अभी क्या होता है कि अगर किसी भी कोई व्यक्ति है जो गरीब है और जो पैसा वाला है, उसमें एक असमानता का भेदभाव उत्पन्न होता है और वो अपने न्याय पाने से वंचित रह जाता है। तो इसलिए चाहे वो अगर हम देखा जाए तो लिंग के आधार पर भी होता है, ये महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है, पुरुषों के साथ भी काफ़ी भेदभाव किया जाता है, और कभी भी जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे हम खुद उसमें एक माध्यम बने कि हमारे साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ, जो कि हमने उसको सामने आकर के और सबके साथ न्याय करने के लिए और हम खुद तैयार हुए और लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद।